हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका क्या पहचान है, किस तरह के सेंटेंस इस टेंस में आते हैं? देखिए, आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखा कि जब भी किसी वाक्य में मेन वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। ओके, यहाँ पर भी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी का प्रयोग होगा, पर साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग होना भी जरूरी है। ये बात आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखी और आपने ये भी जाना कि से के लिए सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे कुछ सेंटेंस है। राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता सुबह से रो रही थी। 2 घंटे से, समय के साथ से का प्रयोग, सीता सुबह से, समय के साथ से का प्रयोग, मतलब रहा था और रही थी। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए, जैसे मैं कहूँ मैं 3 घंटे से खेल रहा था, मैं 4 बजे से पढ़ रहा था, मैं 1998 से यहाँ रह रहा था, तो ऐसे सभी सेंटेंस इस कैटेगरी में आते। ओके, अब सी के लिए सिंस और फोर का प्रयोग आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी वाक्यों की, किस तरह से वाक्य बनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक वाक्य की। जैसे कि मैंने हमेशा से आपको हर वीडियो लेक्चर में बताया, सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। अब इस वाक्य को हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए रूल आपके सामने है। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगकर आएगा आईएनजी, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद सिंस और फोर का यूज करेंगे। आप समय के अनुसार अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे और अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अवधि के बारे में बताया तो फोर का प्रयोग करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। अगर मैं कहूँ राम घूम रहा था, यहाँ पर समय की बात नहीं हुई, मैंने बस बताया आपको राम घूम रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो हमारा आंसर होगा राम वाज वॉकिंग। लेकिन अगर समय की बात करूँ और मैं कहूँ राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो 2 घंटे से समय की बात की मैंने, अवधि की बात की, तो यहाँ पर यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स, तो हमारा आंसर होगा राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं खेल रहा था, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, और जब मैं कहती हूँ मैं सुबह से खेल रही थी तो आंसर होगा आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से देखिए निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, यानी हैड और बीन के बीच में आप नॉट का प्रयोग करते और बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, साथ में लगकर फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर का यूज, टाइम के अनुसार करेंगे। ओके, अगर निश्चित समय की बात हुई तो सिंस और अगर अवधि की बात हुई तो फोर। ओके, एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, तो हमारा आंसर होगा राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ओके, अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कि प्रश्न पूछा गया होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें सबसे पहले हम डब्ल्यू एस फैमिली का यूज करेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तो नॉट लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, उसके बाद बीन, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। ओके, हमारा एग्जाम्पल है राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव है और यहाँ पर डब्ल्यू एस फैमिली क्या है, कहाँ
कहां को क्या कहते हैं? वेयर। तो हमारा आंसर होगा वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, वो कब से खेल रहा था? देखिए यहाँ पे कोई समय तो दिया नहीं, लेकिन पूछा गया है वो कब से खेल रहा था। इसका आंसर आप देंगे 2 घंटे से, या आप देंगे 2 बजे से, 3 बजे से, जैसे 4 बजे से, कल से या परसों से। तो कुल मिलाकर ये सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ ही साथ समय का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस। ओके, कब से? इसके लिए WH फैमिली क्या है? सिंस व्हेन। तो आंसर होगा सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जाना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।